बच्चों फर्स्ट क्लास आज हम पढ़ाएंगे अंक की मात्रा, ठीक है। पेज नंबर 40 और 41 निकालना है, ठीक है। तो देखो अंक की मात्रा कैसी होती है, पीछे से जो बड़ी अंक की दिन भर दो लगी रहती है इसको अंक की मात्रा बोलते हैं। तो चित्र देखकर पढ़िए तो क्या लिखा है, 6। तो इस तरीके से 6 बना के पीछे दो बिंदियां लग रही है उसके पीछे इक्वल टू करके 6 इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ नमः, ये बच्चा हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा है तो क्या कहते हैं, नमः, ठीक है। अब बोलकर पढ़ना है, नीचे जो शब्द लिखे हुए हैं क्या है, दुख, पुनः, अतः, नमः, तपः, प्रातः, प्रायः, स्वतः, फलतः, वस्तुतः, ठीक है। इस तरीके से ये किसकी मात्रा है, अंक की मात्रा है। देख कर लिखिए, स्वतः ही उठ जाओ भाई, दुख सभी कट जाएंगे, प्रातः काल का सूरज चमका, ठीक है। इसको इसी तरीके से देखकर यहाँ लिखोगे। अब नीचे देखो निम्नलिखित अक्षरों को जोड़कर लिखिए। अब ये लिखे हुए ना शब्द, इनको हमें जोड़कर यहाँ लिखना है। जैसे पहला वाला लिखा है ना नमः, अब सेकंड पर क्या है, देखो मैंने बोर्ड पर भी लिखा है ट प्लस आत्मात्रा प्लस अंगी मात्रा प्लस ग, तो क्या है टांग। अब चांद, पांच, ठीक है। इस तरीके से ये जोड़कर हमें इसी बुक में लिखने हैं अपने में, ठीक है, और कॉपी में भी कर लोगे, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, 2 नंबर पे चित्र का नाम लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। तो मैंने चित्र नहीं बनाए बोर्ड पे, केवल वो लिखे हैं, शब्द लिख दिए। तो क पे क्या है, किसका चित्र है ये बच्चों, हंस का। तो क्या लिखेंगे यहाँ बच्चों, क वाले में लिखेंगे हंस, ठीक है। इस तरीके से हंस सुंदर है, ठीक है। ख पे देखो बच्चों, अब ये किसकी चित्र है, बांसुरी। तो क्या है, मोहन बांसुरी बजाता है, तो कैसे लिखेंगे, बांसुरी। इस तरीके से इस पर चंद्रबिंदु आ जाएगी। अब ग पर देखो क्या है, देश, हमारे देश की शान है। तो क्या है हमारे देश की शान बच्चों, झंडा। क्या आएगा यहाँ, झंडा। इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। अब आगे देखो घ पे किसकी चित्र बन रही है, ये कुआ। तो यह घेरा है, तो क्या आएगा बच्चों यहाँ, कुआ। इस तरीके से आ गया यहाँ कुआ। अब जो हमने ये अंडरलाइन करी है यही चीज हमारे इसमें भरी जाएगी, शब्द भरे जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा सबके। अब 3 नंबर पे देखो, चित्र पहचान का सही मिलान कीजिए। क पे किसकी चित्र है और घ पे, ग पे, घ पे, ड पे, ठीक है। अब मैंने इनके भी चित्र नहीं बनाए, केवल शब्द लिख दिए और क ख ग घ ड लिख दिया, ठीक है। तो क पे क्या है बच्चों, बंदर। क्या है, बंदर से मैचिंग हो रही है। अब हमें करनी ख से, तो ख पे क्या है बच्चों, देखो ख पे क्या है, चांद। तो इस तरीके से हम मैचिंग कर देंगे चांद से, ठीक है। अब ग पे क्या है बच्चों, पंख। तो हम पंख से इस तरीके से मैचिंग करेंगे, ठीक है। अब ग के बाद में घ, घ पे क्या है, ऊंट। तो इस तरीके से ऊंट की मैचिंग हो गई, ठीक है। अब लास्ट में क्या है बच्चों, आंख। क्या बचा है हमारा, आंख। इसको आंख से मैचिंग करते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये हमारी मैचिंग हो गई है, मिलान। ये सारा काम आपको बुक में करना है, और जो शब्द हैं ये भी हमें बुक में लिखने हैं, और ये वाले शब्द दोनों हमें कॉपी में भी कर लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा सबके, बहुत अच्छे से आप सुंदर सुंदर चैप्टर को फिल करोगे। थैंक यू बच्चों।